राज एपिकॉन 2023 सेंटर जोन के इस कोटा चैप्टर द्वारा आयोजित साइंटिफिक कमिटी की ओर से आयोजित राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और देश भर के आए सभी फिजिशियन डॉक्टरों का मैं कोटा की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि एक एसोसिएशन एक छोटे से नन्हे पौधे की तरह लगी। चेन्नई में 1944 के अंदर इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई और आज देश भर के अंदर 22,000 से ज्यादा चिकित्सक इस एसोसिएशन के अंदर है और सभी चिकित्सक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, चर्चा से, संवाद से, अपने अनुभव से, बेस्ट प्रैक्टिसेस से अन्य नए चिकित्सकों को जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी है, इस सेमिनार के माध्यम से साझा करते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोटा की पहचान डॉक्टर जी अनंत कुमार जी ने बताई। आज कोटा के अंदर निकले वाले कई विद्यार्थी जो यहां मेडिकल की तैयारी करने आते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में और कई राज्यों के देश के बाहर भी अपनी चिकित्सक जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं देने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पारिक साहब रहे, अभी एसोसिएशन के अध्यक्ष मातुल साहब हैं, और ये भी खुशी है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन के 9 से ज़्यादा नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं। मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके एसोसिएशन के अंदर उनके प्रयासों से, उनके समर्पण से इस एसोसिएशन ने लगातार अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर पहुँचाया है और प्रतिष्ठा के साथ साथ चिकित्सक के मन और विचार के अंदर मानवीय सेवा का दृष्टिकोण रखकर हम किस तरीके से इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं, इसके लिए उनके प्रयासों की मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी देश की समृद्धि खुशहाली जब होती है, जब वहां का समाज स्वस्थ रहे, और स्वस्थ समाज समृद्धि का, वहाँ के विकास का, वहाँ की नई आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने में एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है। और मुझे खुशी है कि आज भारत के चिकित्सक केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अपने चिकित्सा अनुभवों का, अपने ज्ञान का और बेस्ट डॉक्टर के रूप में भारत का गौरव और सम्मान विदेशों के अंदर भी बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम सब ने भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर, जहां की आबादी 140 करोड़ है, जहां आज भी दूर दराज गांवों के अंदर चिकित्सा का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जांचों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी कुछ पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी कठिनाइयां हैं।
और उन सारी कठिनाइयों के बाद भी जब कोरोना के विश्वव्यापी कोरोना हुआ तो हमसे ज्यादा विकसित ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की स्थिति भी चरमरा गई थी, लेकिन इस देश के चिकित्सक, चिकित्सक के साथ काम करने वाले सहायक लोगों ने जिस समर्पण सेवा के साथ काम किया, जिस निष्ठा के साथ काम किया, जो हमारे मूल स्वभाव है, हमारे उस स्वभाव के संस्कारों से काम किया, तो भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर ऊंची करने का काम हमारे डॉक्टर्स ने किया। मुझे याद है कई डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों को बचाने का काम किया, और उसमें विशेष रूप से फिजिशियन डॉक्टर की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि किसी भी बीमारी का मूल स्वभाव या बीमारी को पकड़ने का काम अगर कोई करता है तो फिजिशियन करता है। जैसे खेल के अंदर खिलाड़ी, अगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो बनेगा जो रनअप करेगा, दौड़ेगा, वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेलेगा। उसी तरीके मदर ऑफ मेडिसिन के अंदर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर भूमिका रहती है तो वो फिजिशियन डॉक्टर की रहती है। फिजिशियन डॉक्टर के पास आने के बाद भी, उसकी जांचों के बाद फिजिशियन डॉक्टर अलग अलग डॉक्टरों को रेफर करने का काम करते हैं। इसलिए आपकी भूमिका, चाहे कोरोना हो चाहे कोई सी बीमारी हो, उस बीमारी में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है, और इसीलिए उस भूमिका को और बेहतर करने के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए आप लगातार इन सेमिनारों के माध्यम से अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं, और दूर दराज के गांव के अंदर रहने वाले चिकित्सक, कंपाउंडर, नर्सिंग स्टाफ और लोगों को भी इस सेमिनारों के माध्यम से आप ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, ताकि उन डॉक्टर्स को भी एक फिजिशियन की सामान्य जानकारी हो और सारी बीमारी की पकड़ को पकड़ सकें। मुझे डॉक्टर पारिक साहब बता रहे थे कि यहाँ पर हम दूर दराज के डॉक्टरों को भी बुलाते हैं, और उन डॉक्टरों को किस तरीके से, किस किस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं, उस लक्षण के आधार पर क्या क्या इलाज करना चाहिए, उसकी जानकारी भी देते हैं, जहाँ आवश्यकता हो उचित डॉक्टर को रेफर करने का काम भी करते हैं, और जहाँ आवश्यकता हो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधाओं के आधार पर उस गांव में बैठकर इलाज करने का काम भी करते हैं। मुझे खुशी है कि भारत में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, MBS की सीटें भी बढ़ी है, PG की सीटें भी बढ़ी है, लेकिन आज भी भारत की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हमें और चिकित्सा विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें आज भी दूर दराज के गांव के अंदर चिकित्सक, चिकित्सक इंफ्रास्ट्रक्चर, जांच की सारी सुविधाओं को एक नए सिरे से अध्ययन कर हम किस तरीके से दूर दराज के गांव के लोगों को भी स्वस्थ कर सकें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए सामूहिक प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे, क्योंकि हमने G20 के अंदर जिस तरीके से विकसित और विकासशील देशों के अंदर एक नया विचार दिया वसुधैव कुटुंबकम का, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसी तरीके से हमने कहा कि हेल्थ ऑफ ऑल, जो स्वस्थ रखना है उसके लिए सभी देशों को सामूहिक काम करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारी जीवन शैली, हमारी होने वाली बीमारियों के रिसर्च
और रिसर्च के कारण जो जो बीमारियां होने के जो भी कारण हैं, उन कारणों को ढूंढकर उनको रोकथाम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम क्योंकि भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हम हमेशा चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पर्यावरण हो, हर व्यक्ति की, हर प्रकृति की रक्षा करना हमारे संस्कारों में है। और इसीलिए जब दुनिया पर्यावरण जलवायु की परिवर्तन की बात कर रही है, तो हम उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ जल की, मिट्टी की, पेड़ की पूजा करना हमारे रीति रिवाज संस्कारों में। और इसीलिए हमने चिकित्सक की सारी पद्धतियों को अपनाते हुए एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धतियों को लाने का काम किया। और मुझे खुशी है, चाहे दुनिया की कोई सी बीमारी हो, उस बीमारी का विकसित देश के अंदर बहुत रिसर्च के संसाधन है, हमारे यहाँ रिसर्च के संसाधनों का अभाव है। धीरे धीरे सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया है कि बीमारी के बाद भी और बीमारी के पहले हमें क्या क्या कारण है बीमारी होने के, उसके लिए रिसर्च का भी बजट बढ़ाया है, और बीमारी के बाद होने वाले बीमारियों के कारण उनके रिसर्च का बजट भी बढ़ाया है। आने वाले समय के अंदर देश के मेडिकल कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, IITN में, सभी क्षेत्रों के अंदर रिसर्च के नए संसाधन डेवलप होंगे, ताकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत एक रिसर्च का बड़ा सेंटर बन सके। मुझे खुशी है, मैं जब US गया था तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ जितनी भी बड़े रिसर्च करने वाले लोग थे, वह कंपनी, फार्मा कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे, और फार्मा कर्मी फार्मा उनको एसोसिएट करती थी। मैंने दिल्ली में सरकार को आग्रह किया है, आज फार्मा सेक्टर के अंदर भारत की दवाइयाँ दुनिया के अंदर चलती है, विशेष रूप से अफ्रीकन देश के अंदर तो फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है। हमें भी इस दिशा की ओर करना चाहिए कि जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं और हमारे रिसर्च सेंटर हैं, उनका आपस में एक आपस में संबंध बनाकर और होने वाली बीमारियों के कारणों का रिसर्च करने का काम हमारे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बने। मुझे आशा है आप उसमें विशेष रूप से योगदान देंगे, आपका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। यहाँ जब चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो आप किस तरीके से हमारी नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम रिसर्च के अंदर क्या नए संसाधन कर सकते हैं, नए रिसर्च के क्या हम नए परिणाम दे सकते हैं, ताकि दुनिया में नई दिशा दे सके। हमें खुशी है कि कोरोना के समय हमने हमारे देश के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, और रिसर्च कर वैक्सीन दिया जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ था, और दुनिया ने उसको मान्यता दी। ऐसे कई सारे बीमारियों की रोकथाम का, इलाज करने का काम भारत में किया है, आप सब लोगों ने किया है, क्योंकि इसमें मूल रूप से फिजिशियन की विशेष रूप से भूमिका होती है। आज जो मूल बीमारी होती है, वो मूल बीमारी हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई सी बीमारी हो, सारी बीमारी का मूल बीमारी इन चीज़ों से होती है, और उसका बेहतरीन इलाज आप करते हैं। मुझे पता है कि आपने शुगर के मामले के अंदर कई रिसर्च किए, कई नए पेपर्स निकले हैं, जो दुनिया के अंदर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज और ने माना है, देश के उन लोगों ने माना है। आने वाले समय के अंदर हमारी सेमिनार के अंदर हमें इस बातों पर विचार करना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारी रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाएं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर के साथ, फिजिशियन डॉक्टर के साथ रिसर्च की एक्टिविटीज को कैसे जोड़ें, वैज्ञानिकों को साथ लें, और आने वाले समय के अंदर भारत हर बीमारी का रिसर्च निकाले, इलाज निकाले, इस दिशा के हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः देश भर से आए सभी फिजिशियन चिकित्सकों का कोटा की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे आशा है यहां जो संवाद होगी, चर्चा होगी, जो आप अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करेंगे, वो मानव कल्याण के लिए होंगे, और एक हम स्वस्थ समाज बनाने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।